हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रॉनिक्स। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आप कैसे व्हाट्सएप के थ्रू अप टू 2GB डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ऐप्स इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे व्हाट्सएप टूल। देखिए, सर्च करने के बाद पहले जो आएगा वही है व्हाट्सएप टूल। ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सिर्फ यहाँ से ये ओपन करूँगा। देखिए, ओपन करने के बाद आपको ऐसे एक दिखाई देगा, तो इसको सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। और नीचे दिखाई दे रहा है गेट स्टार्टेड, तो चलिए वहाँ पे क्लिक करते हैं। और नीचे आपको दिखाई देगा टर्न ऑन एंड ओके एंड कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद आप एक्सेसिबिलिटी चले जाएँगे, वहाँ पर जाके सिर्फ व्हाट्सएप टूल सर्विस जो है उसको इनेबल करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इनेबल करते हैं। देखिए, यहाँ पे इनेबल हो गया। अब यहाँ पे दिखाया है कनेक्ट टू साइन इन, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 1 से 2 मिनट तक टाइम ले सकता है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेट करेंगे। दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप टूल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे अभी भी प्रोसेसिंग दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पे कनेक्टिंग हो गया, फिर से कनेक्टिंग टू गूगल दिखा रहा है। और कुछ देर वेट करना पड़ेगा। आप कोई भी ईमेल आईडी से यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से अलाउ कर दीजिए। देखिए, अलाउ करने के बाद फिर से यहाँ पे कनेक्टिंग टू गूगल दिखा रहा है। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद गूगल, ऐसे कुछ दिखाया। तो यहाँ पे होने के बाद चलिए अब जिसको आप सेंड करना चाहते हैं उसका कॉन्टैक्ट खोलते हैं। मेरा ये और एक नंबर है जो टेक रॉनिक्स नाम से सेव किया हुआ है। चलिए मैं उसको भी भेज के देखता हूँ कि वहाँ पे सेंड होता है। देखिए, पिन जो बटन था वहाँ पे क्लिक करने के बाद पहले तो नीचे वाला ऑप्शन दिखाता था सिर्फ आपको, अब देखिए ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन फिर से ऐड हो गया है। ये जो ऑप्शन पहले आपके फ़ोन में नहीं था, तो ये ऑप्शन के साथ आप चाहे तो कोई भी फाइल आप तो 2GB तक सेंड कर सकते हैं, या तो जिप फाइल। और भी ऑप्शन आपको आ गया है, आप चाहे तो यहाँ से भी आप पूरा ये सब कुछ एक बार में सेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जिप फाइल सेंड होता है क्या नहीं, चलिए मैं थोड़ा वही दिखा देता हूँ आपको। चलिए बैक, चलिए अब जिप फाइल खोलते हैं। जिप फाइल खोलने के बाद देखिए यहाँ पे एक जिप फाइल दिखाई दे रहा होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए नीचे आ गया, ये एक लिंक बन के आया है। जो मैं ये फाइल जिसको भेजूंगा वो इस लिंक को ओपन करने के साथ साथ वहाँ से यह ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी ये जिप फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेंड कर देना है। देखिए, ये सेंड हो गया। तो जिसको मैं भेजा, मतलब ये तो मेरा ही नंबर है, मैं चाहूँ तो उस फ़ोन से भी मैं ये लिंक पे क्लिक करके मैं डाउनलोड कर सकता हूँ ये जिप फाइल को। तो आप ऐसे जो भी चाहें आप डाटा यहाँ से सेंड कर सकते हैं, और अप टू 2GB तक आप इस ऐप की मदद से सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू दोस्तों।